सब यात्री उनके बीच पहुंचे, इनका 500 स्टेशन पे लगातार प्रदर्शन चलना चाहते। देखिए ये धरना तो बहुत दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज मांग है, उनके साथ अन्याय हुआ है। मैंने पहले भी कहा था जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन चल रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत की, सब लोगों को मजबूर किया कि वो यहाँ आए, इनकी बात रखें। तब सरकार ने इनकी बात को मान भी लिया था, 68 नियुक्तियां रिलीज भी कर दी थी, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी थी। अब कोर्ट का जजमेंट भी, मैंने बड़ा जजमेंट भी ये कह रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कहा कि भैया आप पुराने लोग जो संशोधित लिस्ट है उसको भी रख लो, इसमें मिस्टेक्स हैं, और इसको भी रख लो, जिन लोगों ने जो वर्किंग कर रहे हैं उनको भी रखो, लेकिन इनको भी रखो जो लोग जिनकी नियुक्ति आपने जारी की है। अब इन सब की करने की जिम्मेदारी ना तो ताकत मेरे हाथ में ना इनके हाथ में, वो सब ताकत है सरकार के हाथ में। जब सरकार ही ना करना चाहे, सरकार ही चोरी करने पे, डकैती करने पे उतारू हो जाए, तो फिर कहां से न्याय होगा। ये तो मुख्यमंत्री के बाएं हाथ का एक कलम चलानी है उनको और ये काम हो जाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा दिन हो गए इन बच्चों को बिलखते हुए, तड़पते हुए, घर छोड़ के आप पड़े हुए 530 दिन हो गए हैं। आप समझिए वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, ये वही लोग हैं जिनके घरों पे वोट मांगने जाते हैं, जिनके पैर छूते हैं, जिनको रिश्तेदार बताते हैं, जिनके पैर दबाते हैं, जिनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। मगर 530 दिन से प्रदेश की राजधानी में बच्चे लड़ रहे हैं और सरकार को, सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। इतना स्पष्ट है कि वो इनको देना ही नहीं चाहती। अब आप ये सोचो जिनके हाथ में, जिन्होंने मेहनत की और जिनके हाथ से उनका नियुक्ति पत्र छीन लिया गया है, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। जब भी ये जाते हैं भाजपा के दफ्तर के पास या भाजपा के मंत्रियों से मिलने के लिए, सरकार उनके तो लाठियों से पीटते हैं। अभी मैंने देखा एक बहन, शायद वो प्रेग्नेंट थी, उसको और वो ऐसे उठा के लेके आ रहे जानवर की तरह, जो सलूक कर रहे हैं, जनता देख रही है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है और सरकार ने चोरी की है, सरकार को इस बात पे खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लोगों का जमीर मर गया हो। मुझे भाजपा के मुख्यमंत्री से जो वर्तमान से कोई तकलीफ नहीं है, उसका कारण ये कि वो तो करेंगे, ये तो लंबे समय से अन्याय होता है। लेकिन जो वहां दलित पिछड़े वर्ग के नेता बैठे, मुझे तकलीफ उन लोगों से, वो असल में राजनीति कर किसके ले रहे हैं। अगर वो इतने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इनके अधिकार नहीं दिला सकते, जायज है, तो फिर वो किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उनके स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में इन ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं तो इनसे भी कहूंगा कि अब ये समझदार हो गए, इनको समझना चाहिए कि आसानी से कोई अधिकार मिलेगा नहीं। अगर वास्तविक अधिकार को, न्याय को भी छीन कर लेना पड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा, लाठियां खानी पड़ रही, गालियां भी दे रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, एजेंट भी कह रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह है। मैं तो, मेरी मांग तो है कि सरकार इनकी नियुक्तियां इनको दे। अब मुझे लगता है आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इनसे मैं बातचीत कर लूँ कि कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कई बार इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, कई और प्रयास किए। अब मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि हम यहाँ सुसाइड करेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। 24 तारीख को हमारे यहाँ प्रचार खत्म हुआ था राजस्थान का, मैं 25 में दिल्ली आया, कल मैं आगरा आ गया था, और आज 27 तारीख है, 27 है आज, मैं इनके हम बीच में हूँ। कल हमने संविधान को बचाने का संकल्प लिया, उसको लागू कराने का संकल्प लिया। उस संकल्प का यही मतलब है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में अगर अन्याय हो रहा है दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ, हमारी बच्चों बहनों के साथ, तो चुप रहना ठीक नहीं है। तो आज हम बैठ के बात करेंगे कि हमें क्या करना है, और एक बढ़िया प्लान बना के हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार जो संघर्ष होगा वो आर पार का होगा, क्योंकि अगर इनको रोज रोज इन हालातों में देखना कठिनाई भरा है, और इनको मारपीट, इनके साथ इनका अपमान होते नहीं देखा जा सकता। अब कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे सरकार को मजबूर होकर इनको नियुक्ति देनी पड़े।